हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है गौरी फैशन डिजाइनर में। तो आज की वीडियो में हम बनाएंगे लाइनिंग वाली कुर्ती पे एक बहुत ही सुंदर और ब्यूटीफुल नेक डिज़ाइन। इस डिज़ाइन को हम लेस और कैनवास पेपर के साथ बना के रेडी करेंगे। तो ये हमारी कुर्ती है जिस पे हम नेक बनाएंगे, और ये मैंने नेक बनाने के लिए कैनवास पेपर लिया है जिसकी लंबाई मैंने 15 इंच रखी है और चौड़ाई मैंने 6.5 इंच रखी है, ये आप देख सकते हो। अब इस पेपर को हम कुर्ती वाले कपड़े के ऊपर चिपकाएंगे प्रेस से। तो ये मैंने कुर्ती वाले कपड़े में से एक कपड़ा लिया है, इसकी उल्टी साइड में हम इसको ऐसे प्रेस से चिपका लेंगे और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो ये मैंने प्रेस से चिपका लिया है, तो ये इस तरीके से तैयार हो गया है। अब दोनों साइड में मैंने आधा आधा इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखा है। इस कपड़े को हम मोड़ के ऐसे इस पर कच्ची सिलाई लगा लेंगे। ध्यान रखना है नीचे वाली साइड को नहीं मोड़ना है, इसको हम ऐसे ही रखेंगे और दोनों साइड के कपड़े को मोड़ के इस पर हम कच्ची सिलाई लगाएंगे। बाद में हम इस सिलाई को निकाल देंगे। तो ये इस तरीके से रेडी हो गया है। एक साइड में मैंने पेपर को कपड़े के बराबर रखा है और एक साइड में मैंने पेपर को थोड़ा सा कम रखा है कपड़े से। अब इसको हम सीधी साइड से ऐसे रखेंगे और ये मैंने लेस ली है। आप इस तरह की कोई भी डिजाइन की लेस ले सकते हैं, इस तरह की लेस आपको मार्केट में आराम से मिल जाएंगी। तो मैंने वाइट और गोल्डन कलर लिया है, आप अपनी मैचिंग के हिसाब से कोई दूसरा कलर की लेस भी ले सकते हैं। अब लेस को सीधी साइड से देखते हुए हम ऐसे रखेंगे और वाइट कलर की लेस को हम बीच सेंटर में अटैच करेंगे। तो इस लेस के हम दोनों साइड में सिलाई लगाएंगे क्योंकि ये जो लेस है थोड़ी चौड़ी है, तो इसकी हम दोनों साइड की किनारी पे ऐसे सिलाई लगा लेंगे। अब हम इसके बगल में ये गोल्डन वाली लेस अटैच करेंगे, तो इस पे हम बीच सेंटर में एक ही सिलाई लगाएंगे। इसी तरीके से हम फिर से वाइट कलर की लेस अटैच करेंगे और इसी तरीके से हम इसकी इस साइड में लेस अटैच करेंगे। तो देखिए इस तरीके से मैंने लेस यहाँ पर रखी है। अब इनके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। वाइट कलर की लेस पे हम दोनों साइड में सिलाई लगाएंगे और जो गोल्डन कलर की लेस है इसमें हम बीच सेंटर में एक सिलाई लगाएंगे। तो लीजिए इस तरीके से मैंने लेस अटैच कर ली है, आप देख सकते हो। अब इसको हम अपनी कुर्ती के ऊपर अटैच करेंगे। तो ये मैंने अपनी कुर्ती का फ्रंट वाला भाग लिया है, ये इसकी सीधी साइड है और नीचे की तरफ उल्टी साइड है। इसको हम सीधी साइड से बीच सेंटर से मिलाते हुए ऐसे रखेंगे, ये इसका बीच सेंटर है। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे रखेंगे और इस पे हम सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे आपको फिनिशिंग के साथ में सिलाई लगानी है क्योंकि ये सिलाई हमारी यहाँ पे परमानेंट रहने वाली है। नीचे की साइड से मोड़ते हुए हम इस पे सिलाई लगाएंगे ताकि जो हमने लेस लगाई है उसका जो ओढ़ है वो अंदर की तरफ चला जाए। तो ये मैंने इस तरीके से अटैच कर लिया है। अब देखिए यहाँ से हम कच्ची सिलाई को निकाल देंगे और इसका हम नेक पलटेंगे। तो आप चाहें तो कोई दूसरे शेप का नेक भी बना सकते हैं, यहाँ पे मैं राउंड नेक बना रही हूँ। तो इस पे हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे और अंदर से कपड़े की कटिंग करेंगे। यहाँ पे गुलाई में हम छोटे छोटे कट लगाएंगे और नेक को हम सीधी साइड में पलट लेंगे। ये देखिए ऐसे उल्टा करेंगे नेक को और ये सीधा हो जाएगा। तो इस तरीके से नेक को मैंने पलट लिया है। अब यहाँ पे मैं एक पैर का मार्जिन रखते हुए इस पे सिलाई लगा रही हूँ। अगर आप यहाँ पे तुरपाई करना चाहते हैं तो आप कच्ची सिलाई लगा लीजिए, और आप सिलाई रखना चाहते हैं तो फिनिशिंग के साथ में सिलाई लगा लीजिए। तो ये इस तरीके से रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी गुलाई में हमारा नेक बनके रेडी हुआ है और कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो इस तरह से आप अपनी सिंपल कुर्ती को एक बहुत ही सुंदर और ब्यूटीफुल कुर्ती बना सकते हो। थोड़ा सा हमने नेक पर काम किया तो हमारी कुर्ती कितनी ज़्यादा सुंदर लगने लगी है, पहनने के बाद में कुछ ऐसा देखेगा। तो फ्रेंड्स, आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा है कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।